हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, तकनीकी सशक्तिकरण शिक्षा के जरिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक है बीएड के कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन में। और मैं बताऊँ तो एमडीयू के अंदर ये है इस सब्जेक्ट में यूनिट 4 में। बाकी ये आपके बीएड में, एमएड में या कहीं पर भी हो सकता है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको पता ही है वैसे क्यों जरूरी है टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट और शिक्षा के जरिए हम क्यों टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट और ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों स्किल इंडिया मूवमेंट है, क्यों डिजिटल इंडिया मूवमेंट है ना। तो वो सब इसीलिए है ताकि टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट लोगों के अंदर आए, लोगों को पता चले कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है अपने लिए, सोसाइटी के लिए और अपनी बेहतरी के लिए। ठीक है, क्यों अपने आप को एनहेंस करना जरूरी है टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो पढ़ते हैं, सिंपल सा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट, एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट या तकनीकी सशक्तिकरण। तो हमें पता है कि शिक्षा बहुत सारे रोल करती है ना। शिक्षा समाज के लिए तैयार करती है, डेवलपमेंट के लिए तैयार करती है लोगों को या आने वाली पीढ़ी को। तो शिक्षा का एक और आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो हमें टेक्नोलॉजी के लिए भी एम्पावर करती है। ठीक है, अब इसका इसकी ज़रूरत क्यों है, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की क्यों ज़रूरत है? तो वो इसलिए ज़रूरत है ताकि लोग टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करें, प्रभावी ढंग से यूज करें, रिस्पॉन्सिबली यूज करें, जिम्मेदारी के साथ यूज करें, है ना। जैसे कहा जाता है कि किसी का भी कुछ ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए। अगर आपके वीडियो में कोई दिख रहा है जो नहीं चाहता है आपके वीडियो में आना, तो उसका चेहरा ब्लर करना चाहिए, है ना। कि कुछ एथिक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, या अगर किसी को दिक्कत है तो उसकी वीडियो शूट नहीं करनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी को इनोवेटिवली यूज किया जाए, उसमें और ज़्यादा आविष्कार किया जाए, है ना। जैसे कि टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, वीडियोग्राफी थी, वॉइस रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जब कोविड आया तो उसका और ज़्यादा अच्छे से यूज होने लगा। पहले भी यूज होता था शिक्षा के लिए, लेकिन लोगों ने नए नए तरीके निकाले, इनोवेटिव तरीके निकाले शिक्षा को और ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए। तो इसीलिए एम्पावरमेंट जरूरी है, सशक्तिकरण जरूरी है, ताकि लोग ये सभी चीज़ें अच्छे से कर पाए। टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विपिंग पीपल विद द बेसिक एंड नेसेसरी नॉलेज, कि उनमें मूलभूत ज्ञान दिया जाए, उनमें स्किल आए, उनका माइंडसेट ऐसा तैयार किया जाए कि वो टेक्नोलॉजी को अपने पर्सनल काम के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए और सोसाइटी के वेलबींग के लिए उसको अच्छे से यूज करें, राइट। तो यही होता है टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, जो कि शिक्षा के लिए हम कर रहे हैं या शिक्षा के जरिए हम टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट कर रहे हैं। शिक्षा में सभी चीजें बताई जाती हैं, तो वो उसका कारण यही है। तो इससे रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इसके लिए। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आपने पढ़ा ही होगा, पावर टू एम्पावर, इसका पूरा मतलब ये मोटो ये है या इसकी इसका टाइटल ये है। तो इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि इंडिया टू प्रिपेयर इंडिया फॉर डिजिटली एम्पावर्ड एंड नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कि उनमें सशक्तिकरण आए, डिजिटल सशक्तिकरण आए, है ना, और उनमें नॉलेज है। इसके लिए इन्होंने इस पे फोकस किया, इट प्लस इट या आई टी प्लस आई टी इक्वल टू आई टी। इसमें इस आई टी का मतलब क्या है, इंडियन टैलेंट, दूसरे आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसको हम क्या कर देंगे, इंडियन टोमोरो। ठीक है, जब इंडियन टैलेंट मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो फ्यूचर का इंडियन तैयार होगा। फ्यूचर का इंडियन क्या होगा, उसमें एम्पावरमेंट होगी। ठीक है, मतलब वो एम्पावर्ड होगा, वो सशक्त होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। तो इसके लिए विजन ऑफ डिजिटल इंडिया क्या रखा गया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, कि उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट मिले, इंटरनेट मिले, है ना, उसकी स्पीड अच्छी हो। देन गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, कि ऐसी एप्स बनाई जाए, सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो, जैसे कि डिजी लॉकर, है ना, क्रेडिट बैंक भी आ गया था,
और बहुत सारी ऐप थी जो कि ऑनलाइन आ गई थी। देन डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, की जो भी लोग हैं उनको बताया जाए कि कैसे टेक्नोलॉजी को अलग अलग काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये इसका विजन था, आप इस क्वेश्चन में इसको लिख सकते हो। देन इस ये भी लिख सकते हो कि डिजिटल इंडिया वीक स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2015 में, तो इसके जरिए बहुत सारी ऐप ऑनलाइन हो गई थी, बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई थी, आधार अपडेट करना है ना, और डिजिटल इंडिया मूवमेंट था तो डिजी लॉकर आ गया था, और काफी जो ई सेवा थी वो ऑनलाइन आ गई थी, तो इसमें वो सब लिख दे सकते हो आप, इसके बाद ही हुआ था वो। देन विमेन के लिए क्या क्या है, तो एक स्कीम है ये स्कीम फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो इसमें क्या था, ये स्कीम है विमेन एंड गर्ल्स के लिए ताकि वो डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर स्मार्टफोन्स को और ज्यादा अच्छे से यूज कर सकें डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस, कमर्शियल पर्पस या डिजिटल ट्रांजेक्शन पर्पस। ठीक है, तो ये था महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए। ऐसा ही एक इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा। ठीक है, तो ये सभी प्रोग्राम चल रहे थे। अब क्यों चल रहे थे, इसीलिए चल रहे थे क्योंकि लोग एम्पावर हो सके। ओके, देन कुछ और स्कीम्स हैं तो इसको इसके बारे में ऐसे लिखा है, इसके मैंने आपको बाद में लिंक्स भी प्रोवाइड करें, रेफरेंस प्रोवाइड करें। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और क्या क्या कर रहा है वो, बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है जैसे कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT स्कीम, स्वयं है, स्वयं के थ्रू बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो स्वयं के जरिए, स्वयं MOOCs के जरिए आप उनको कर सकते हो बाय यूजिंग योर फोन और लैपटॉप कंप्यूटर आईपैड या टैबलेट्स किसी के भी जरिए। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देन स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा DTH चैनल्स हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, स्कूल के लिए भी हैं, मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, और हायर एजुकेशन के लिए भी चैनल्स हैं, और अलग अलग चैनल सबके लिए हैं, मतलब किसी में लाइफ साइंस के बारे में आता है, किसी के बारे में 10th के बारे में आता है, +2 के बारे में आता है, या किसी पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, देन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, वर्चुअल लैब्स हैं, इसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ई यंत्र है, ये भी आई थिंक प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही है। देन नीट NEET नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, देन है ये कि है क्यों, ताकि जो एजुकेशन है ना उसकी क्वालिटी और ज्यादा एनहेंस हो सके। ये सभी ई लर्निंग के मतलब माध्यम है, मीडियम है, ताकि जो शिक्षा है वो स्टूडेंट तक और ज्यादा अच्छे से पहुंचाई जा सके। राइट, चलो अब कुछ की कंपोनेंट्स की कैसे एजुकेशन से टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट लाया जा सकता है। एजुकेशन बहुत चीज करती है ना, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सोसाइटी के उत्थान के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, और वैसे ही टेक्नोलॉजी के लिए भी जरूरी है, मतलब टेक्नोलॉजी के एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है। तो इससे होता क्या है, डिजिटल लिटरेसी आती है ना, लिटरेसी का मतलब है कि जब हमें पढ़ना लिखना बोलना आता है सुनना आता है, तो डिजिटल लिटरेसी आती है, तो हमें पता रहता है कि डिजिटल डिवाइसेस को कैसे यूज करना है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट की डेफिनेशन है, इसको लिख सकते हो आप। डिजिटल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू नेविगेट आवर डिजिटल वर्ल्ड यूजिंग रीडिंग राइटिंग टेक्निकल स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि किस तरह से हम ये सभी चीजें करते हैं डिजिटली, या कैसे डिजिटल चीजों को हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि कैसे मतलब बेसिक स्किल्स आना, किस तरह से हम कंप्यूटर चलाएंगे, स्मार्टफोन चलाएंगे, प्रिंटर चलाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीजें हैं उनको कैसे यूज करेंगे, राइट, कैसे प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे, कैसे चीजों को क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि आजकल क्या होता है, जब भी व्हाट्सएप पे कुछ आता है हम वैसे ही बिलीव कर लेते हैं, लेकिन अगर आप में डिजिटल लिटरेसी है, आप में क्रिटिकल थिंकिंग है, तो आप उसको ऐसे ही बिलीव नहीं करोगे, राइट, उसको और ज्यादा उसमें और ज्यादा रिसर्च करोगे, उसको समझोगे कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो यह है डिजिटल लिटरेसी। देन है स्टेम एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कहते हैं इसको,
तो स्टेम एजुकेशन क्या करता है, क्यूरियसिटी एनहेंस करता है, क्रिएटिविटी एनहेंस करता है, एनालिटिकल थिंकिंग एनहेंस करता है बच्चों की या लर्नर्स की या इंडिविजुअल्स की। तो टेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स को एक्वायर करने में, उनको समझने में हमारी और ज़्यादा मदद करती है, और वाइस वर्सा भी होता है। ठीक है, स्टेम एजुकेशन हमें मदद करता है ये सभी स्किल्स एक्वायर करने में, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी स्टेम एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छे समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अगर हम एम्पावर्ड हैं तो हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हम इंटरनेट का यूज करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं, और ज़्यादा उसमें क्यूरियसिटी के साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जैसे कई बार होता है हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो हम यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस साइंस में या बायोलॉजी में कैसे होता है, राइट, क्योंकि उनको देख पाना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनिमेशन के जरिए हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो वो कब आएगा, जब हम एम्पावर्ड होंगे, हमें पता होगा टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। देन है टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल भी बनाना बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम क्या हुआ था, एक डिजिटल डिवाइड आ गया था। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि कुछ के पास, मतलब काफी लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी, काफी के पास नहीं थी। तो ये तो यूज कर पाए टेक्नोलॉजी को, और ये कहीं ना कहीं नहीं कर पाए, तो ये काफी चीजों से वंचित रह गए। ओके, तो टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेसिबल बनाना है शिक्षा के जरिए। तो इसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं, डिजिटल डिवाइड है, हो सकता हो किसी भी कारण से हो, तो उसको खत्म करना है। तो ये भी हम शिक्षा के जरिए कर सकते हैं कि किस तरह से, अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी कैसे यूज कर सकते हैं। या स्कूल्स में टैब प्रोवाइड किए जाते हैं, काफी स्टेट्स में प्रोवाइड किए गए हैं, वो इसीलिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अगर उनके घर में मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर्स नहीं है तो वो स्कूल से दिए हुए टैबलेट्स पे पढ़ाई कर सकें, है ना, और डिजिटल डिवाइड को हम बराबर कर सकें, राइट, उसको खत्म कर सकें इन द सेंस। देन है कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो आजकल कोडिंग बहुत लोअर क्लास से पढ़ाई जा रही है, मतलब अर्ली स्टेज में पढ़ाई जा रही है। वो क्यों पढ़ाई जा रही है, प्रोग्रामिंग से क्या होता है, देखो तो प्रोग्रामिंग से क्या मतलब क्या हेल्प होती है कि इंडिविजुअल्स या हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पीपल, हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, वो कैसे काम करती है, कैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं, राइट। तो जब बच्चों को ये स्टार्टिंग से पता चलेगा तो वो और ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे फ्यूचर की, राइट, वो अपने आप ही डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, देन है डाटा लिटरेसी। डाटा लिटरेसी का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ये एंड्रॉयड जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो पूछता है कि द ऐप वॉन्ट टू ट्रेस योर डाटा, हम सब पे टिक टिक लगाते जाते हैं, है ना, और कई हमें नहीं, हम नहीं चाहते कि वो हमारा डाटा ट्रैक करे, तो हम ना भी कर सकते हैं, है ना। या कई बार जब कंप्यूटर्स पे कोई वेबसाइट खुलती है तो वो पूछती है कि यस या नो, काफी ऑप्शंस होते हैं, तो जब हमें लिटरेसी है इस बारे में, हमें पता है कि इसको क्लिक करने से क्या होगा, तो हम और ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं ताकि हमें कोई हार्म ना हो, राइट। देन है ऑनलाइन सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। जब हमें डिजिटल लिटरेसी है, हमें ये पता है कि कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे क्लिक नहीं करना है, कौन सी वेबसाइट सेफ है, कौन सी वेबसाइट सेफ नहीं है, तो हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस और पोटेंशियल डिजिटल थ्रेट से हम अपने आप को भी दूर रखेंगे और अपने जानने वालों को भी दूर रखेंगे, राइट। देन है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या है, देखो डिजिटल एज है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हो, जैसे ब्लॉगिंग है, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट बनाना है, या ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज हैं, चाहे आप कॉपी एडिटिंग करते हो, कॉपी राइटिंग करते हो, कंटेंट राइटिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, तो ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाया है टेक्नोलॉजी की मदद से, राइट। तो
इसमें और ज्यादा इनोवेशन ला के इंडिविजुअल्स पैसे कमा सकते हैं, इसलिए भी एम्पावरमेंट जरूरी है। देन है सेल्फ एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब हमें पता रहता है टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है तो ऑटोनॉमस लर्निंग को ये एनहेंस करता है। कई बार टीचर्स नहीं होते हमारे पास, या मतलब जब तक क्लास चल रही है, जब हम स्कूल में हैं यूनिवर्सिटीज में हैं तभी तक टीचर हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम मोबाइल का यूज करते हैं, लैपटॉप्स का यूज करते हैं और हम ऑटोनॉमस लर्नर बन जाते हैं। मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा या अधिगम हम खुद से कर रहे हैं, लर्निंग हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये स्किल आ जाती है ना, जब ऑटोनॉमस लर्निंग की स्किल आ जाती है या सेल्फ लर्निंग की आ जाती है, तो ये स्किल फिर हमारे साथ पूरी लाइफ टाइम तक चलती है और ज्यादा वो एनहेंस होती रहती है। तो इसीलिए इस बच्चों को अगर स्टार्टिंग एज में ये पता चल जाए कि कैसे पढ़ना है, या लर्न हाउ टू लर्न, कि सबसे पहले यही सीखा जाए कि सीखना कैसे है, तो अपने आप अपने एम्स को और गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और साथ में उसको उनको हेल्प कौन करेगा, टीचर साथ में हेल्प करते रहेंगे, पेरेंट्स साथ में हेल्प करते रहेंगे और उनको अपना गोल हासिल करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस टेक्नोलॉजी और ज्यादा एनहेंस कर देती है। देन है एथिकल यूज। तो एथिकल यूज का मैंने बताया कि हमारे अंदर मूल्य भावना है ना, कि कैसे टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। अगर किसी को नहीं पसंद तो उसकी फोटो नहीं क्लिक करनी, उसको अपलोड नहीं करना, कंसेंट के साथ ही अपलोड करना है, या वीडियो किसी का ऐसे ही नहीं बनाना, परमिशंस लेनी चाहिए। या यूट्यूब का एक ऑप्शन है कि अगर आपके वीडियो में बच्चे हैं तो आपको उसको लिखना पड़ेगा कि दिस वीडियो इज मेड अप फॉर चिल्ड्रन, राइट। लेकिन कई बार ऐसे नहीं करते, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उस पर बच्चे आते ही आते हैं, है ना। लेकिन YouTube को पैसा मिलता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। लेकिन एथिक्स तो यही कहते हैं कि अगर किसी को नहीं पसंद तो उसके वीडियोज फोटोज अपलोड नहीं करनी चाहिए या उनको ब्लर कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये है एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देन है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो भी डिफरेंटली एबल लोग हैं, टेक्नोलॉजी उनको भी बहुत ज्यादा एम्पावर करती है ना। जो भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं, एडेप्टिव डिवाइसेस हैं, तो वो उनको मौका देती हैं कि वो मतलब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती हैं कि वो भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अपना पार्टिसिपेशन करें, है ना। सपोज अगर मेरे पास ये इंटरनेट नहीं होता, मेरे पास लैपटॉप नहीं होता और मुझे ये भी नहीं पता होता कि कैसे इनको यूज करना है वीडियोज बनाने के लिए, एजुकेशनल वीडियोज बनाने के लिए, है ना, तो मैं आगे ग्रो नहीं कर सकता। तो ये सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ताकि सभी अपना टैलेंट दिखा सके, ठीक है। तो इन सभी चीजों को, हम एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और लोगों को सशक्त बना सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, ताकि वो सभी चीजों को या टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली और इफेक्टिवली यूज करें अपने लिए और ओवरऑल सोसाइटी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको फोन दे दिया तो कुछ भी यूज करो, कैसे भी यूज करो, हमें डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट क्या करता है, इनोवेशन लेके आता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है और ज्यादा क्वालिटी और ज्यादा एनहेंस होती है, बहुत सारे मामलों में क्वालिटी एनहेंस होती है। और भी आपके मन में कुछ चीजें हो तो प्लीज उसको लिख देना, ऐसा मत सोचा करो कि जो भी वीडियो में प्रोवाइड है वही सब लिख के आओ। वीडियो होता है केवल आपको एक आइडिया देने के लिए, इस कंटेंट में है क्या, मतलब इस टॉपिक में है क्या, राइट। तो अपना दिमाग भी यूज किया करो सभी तरह के जो भी कंटेंट है, और उसको थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करके लिखा करो। बीएड और एमएड यही है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे चीजों को उतने ही अच्छे से आएगा, उतने बेहतर आप टीचर बन पाओगे। तो ये कुछ लिंक्स हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट के ही लिंक्स हैं, तो ये यहाँ जाके पढ़ लेना। इसमें स्कीम्स के बारे में था और इसमें भी स्कीम्स के बारे में था, ठीक है। अच्छा, ये तो दोनों सेम ही होंगे, दोनों ये पीडीएफ हैं, मतलब पीडीएफ हैं पीडीएफ की फॉर्म में, तो जाके आप पढ़ सकते हो इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।